पुत पुत के रे रोई दासा में सतगुरु तेनू नाल जो मेरे होई मेरे हाल ते मेरे किस्मत पुत पुत के जग विच होर ना कोई देखा सहारा कृपाल प्यारे ऐसे कमाए जसाए Yeah.
सावन कृपाल के चरणों में नमस्कार है। इन्होंने सानू खुले दिल नाल अपनी पंक्ति च बैठने का मौका दिता है और अपनी पंक्ति करने का सारे अंदर बल भी बख्शिया है, पंक्ति भी बख्शी है, मेरे भी बख्शी है। Salutations unto the feet of Supreme Father, Lord Almighty, Savan and Kripal, who with an open heart gave us so many opportunities to sit in their remembrance and allowed us to know their devotion. They gave us the yearning, the courage, the strength, and the enthusiasm to do their devotion. खुराक दे तो साड़ी आत्मा हरी हो जाती है। साडे मन जो विश्व बकारों में खुशक होया है ताजा संगीत हो जाता है। The gift of the devotion is the food for our soul, and they have given that to us. For many births, our soul did not get this food, and that is why she was not clean. And when we get this gift of the devotion from him, just like we, when we give the water to the dry farm, and when it becomes clean in the same way, our soul had been sort of dead for so many of us, and because we got this gift of the devotion from them, that is why our soul has come back into the life, our soul has become green again. Guru Nanak Dev Ji Maharaj kehnde hai, agar koi paap karda hai, aib karda hai, chori taade marda hai, ohda koi vi beli nahi hunda ga. Guru Nanak Sahib says that if anyone is committing the sin, if he is stealing things, if he is doing the robbery, or if he is committing so many gifts, no one becomes his companion, not even his family members become his friends.
और समाजिक लोग भी ताना गिना मारते हैं कि भी इसने तो उस फैमिली ने उस मुल्क में ही बदनाम कर देता है. इवन द पीपल इन सोसाइटी टॉन्ट हिम एंड दे से अबाउट हिम दैट ही हैज ब्रॉट अ बैड नेम टू हिज फैमिली और ही हैज ब्रॉट अ बैड नेम टू हिज कंट्री. दूसरे पासे जो असि उस परमात्मा की भक्ति करते हैं सच महाराज कृपाल कहते आखिर सच होता है तो सू सच्चाई से खड़े रहना चाहिए है. बेशक कुछ टाइम तक सू समाज के घर वाले के थोड़े बहुत ताने में चलने भी पड़ते हैं. कई दफा ज्यादा ही विरोध का सामना करना पड़ता है मालिक के पैरों. लेकिन सच जोड़ा है वह आखिर सूरज की तरह चंद्रमा की तरह आकाश के चमकना है. On the other hand, if we do the devotion of God, because Master Kripal Singh used to say that truth is after all truth, if even we have to bear the criticism and the taunts and the oppositions of our family members in the beginning, but if we remain firm on this very truth, the devotion of God, then one day the sun of the truth shines very high in the sky. So if we remain firm on this truth, if we remain firm and determined in doing the devotion of Lord, after bearing all the criticism and taunts, still we will shine like the sun in the sky. But to ask more I have to imagine the parents उस वक्त के समाजिक लोगों ने नन्ना के भगतों के आखे इतों तक उन्होंने कड़ी सजा दी गई. उन्होंने गैर मनुख तसीहे दिए गए घर घर टूने का उजाड़ दिता. तो प्यारे फिर भी उन्होंने जान तो बाद सूरज चंद्रमा की तरह चमकते हैं. लोग जो घर उन्होंने बेआबाद उस वक्त शराब कैदियों ने करे सन अज उ सोना लगता है सुख और मन लगता है. मैं ऐसा थानों कहीं इस दफा जमीन के जो बारपुर तो आया सपू महापुरशों ने जगह दिखाइया इतिहास दसिया कि प्यारे बेटा मेल भी साथ सेगा. तो मैं उन्होंने सारे मेरा दसन का भाव इन्हें सी कि इन महापुरशों ने जो जगह सन उस वे उन्होंने सके संबंधी ढाने शामिल सन शरीके के लोग भी शामिल सन और गौरमेंट भी शामिल सन कि उस तो बाद लोग इतने बैठ के नाम का प्रचार ना कर सकन ये घर के ना आ सकन. लेकिन अज उन्होंने जगह के सारे संखमरमर लग्या है उपर सोने तक लाया होया है. हुण तुसीं देख सकते हो कि उन्होंने जिहड़ी भगती सी जिहड़ा उन्होंने साढ़े उत्ते आत्मा उत्ते परोपकार किया. क्योंकि जो वक्त के शासक होंगे है ये तो लोगों के तरह ही राज करते हैं. इन्होंने उदों लोग भुगत ला जाते हैं. लेकिन संत जोड़े है मालिक के प्यारे है वह संसार का आत्मा के आके राज करते दिलों पर राज करते हैं. उन्होंने लोग भुला नहीं सकते ने. हिस्ट्री बेस्ड द विटनेस दैट हाउ द मुल्लास द प्रीस्ट्स एंड द पंडित्स under the influence of the orthodox religions, how much they bothered the saints and the masters who came in the past. They gave them inhuman tortures and they plundered their homes, their belongings. They were kicked off from the buildings they lived. So they were given all sorts of inhuman tortures and they did not allow them to do the devotion of Lord at that time. But history bears the witness that a long time after they have left this world, the places where they lived, now we people are covering that up with the marble stone. We even go to the extent of putting the gold on the houses or on the places where the believers of Lord had stayed at that time. Because they did the devotion of Lord Almighty, the administrators, the kings, the emperors, and even the so-called religious people, the Orthodox, they did not appreciate the Master's coming at that time. But because of their devotion, which they did, they are still shining just like the sun and the moon in the sky, and they will always shine in this world only because of their devotion of Lord. Last June after the tour, we went and I
Shor Prabhu, so many places where those past masters had lived, and I, Gunil also was also with us. So I told them the reason. These are the places where the Orthodox people, the people of the society, the religious people, had not allowed the masters to stay, and they had not let them do their meditation of Nam and preach the Nam. They gave them a lot of tortures, they bothered them a lot, and they even kicked them off. Even though these places belong to them, but still they were not allowed to remain like this peacefully. And now, after such a long time, you see that how we are respecting these places, we are putting all the valuable marbles there, and we are also putting the gold on this. So the meaning of saying is that the administrators or the kings or the emperors, they only rule over the bodies of the people, whereas the saints and the masters, they rule over the hearts of the people. And even after they leave this world, a long time after they leave this world, still they always remain in the hearts of the people. And how we remember the past masters, they always will rule over our hearts because of the devotion of God which they did at that time. Devotion of God Almighty which they had done at that time made them shine in the sky, in this world, just like the sun and moons are shining, and they will always remain here. गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं जिन्हों की लेव उस परमात्मा में लग जाती है अठो पैर वो परमात्मा में जुड़े रहते हैं बेशक उन्हें अपनी जिंदगी के विच को नाम नहीं जानता हो फिर भी जब उन्हें अमिट छाप भक्ति में होती है उन्हें कोई मिटा नहीं सकता वह आखिर एक दिन संसार के विच प्रकट हो जाती है गुरु अर्जन देव जी महाराज से दैट दोज हु आर कनेक्टेड विद अटेंशन विद गॉड ऑलमाइटी दे ऑलवेज रिमेन कनेक्टेड विद हिम एंड इवन इफ नो वन नोज अबाउट them, even if no one knows them in this world, in their lifetime, still that unerasable sign of the devotion of Lord which is printed on their heart is such that they become manifested, they become known to the people, even if they have left this world, even if they have left the body. क्योंकि जितने भी लेखक होंगे लोग इतिहास में लिखने वाले ये लोग राजे महाराजों के इतिहास तक खूब लिखते हैं राजे महाराजे तो खूब सौगो करते हैं कि ऐसी है क्योंकि उतो कुछ इन्हें प्राप्त होना है मान विदेही प्राप्त होती है और पेट पूर्ति वास्ते मिलते हैं लेकिन संतों ये लोग अखो प्रख कर देते हैं The historians who write the history, they write about the kings and emperors, they sing their praises because they get name and fame and maybe some wealth and riches over there from there. But they always just avoid writing about the saints and the Mahatmas. शुभ उसमें मिलना बने वाली शादी धूमधाम एक राजे के राजकुमार में हुई बाद में उसने महारानी बनना सीगा लेकिन जो उस वेले के राजे हुए है उन्होंने पटा ने खूब इतिहास लिखे है शोले गाए है मेरे बन वास्ते एक भी हर उन्होंने नहीं पाया तो कभी वो उतों के राजे से उन्होंने पहले के लोग से वो मेरा भाई ने एक किस्म का मत के कलंक के समय से मेरा भाई वॉज बॉर्न इन द रॉयल फैमिली एंड शी हैड द प्रिविलेज ऑफ ऑल द रॉयल फैसिलिटीज एंड व्हेन शी ग्रू अप शी मैरिड अ प्रिंस द सन ऑफ अ किंग एंड शी वॉज गोइंग टू बिकम द एम्प्रेस ऑफ दैट किंगडम The historians and the writers of that time have written a lot in the praise and glory of the kings and emperors of that time, but they have not written even one word in favor of Mirabai, because at that time Mirabai, since she used to do the devotion of God, and since she was opposed a lot even by her own family members, they used to think, they used to say that Mirabai is a bad name, has brought a bad name to the family, so that is why the historians have not written even a word in the praise of Mirabai. तो अब 400 बार मेरा भाई ने भजन हर जगह बोले होते हैं संतों के बाणी का हवाला देते हैं हर सामाजिक मेरे भाई ने सिफ्त कर लिया है Today, after 400 or 450 years after Mirabai came in this world,
Now everywhere we sing the bhajans with devotion written by Mirabai. The saints also talk about Mirabai, they quote from her writings. And many religious people, many followers of different religions also appreciate and praise Mirabai. Mirabai ne kaha ki log kehnde hai mere putr ho putr ho insaan da naam sansar vich reh janda hai aap sade dilan vich hunda ki chele bahu badhaiye te shayad phir sansar vich naam hoye rahega par naam ta jada parmatma de vich ja ke mil gaya परमात्मा का सदा रहना है जो मिल के नाम रूप हो गया उससे तो सदा रहना है मेरा वैसे द पीपल थिंक दैट इफ यू हैव सॉन्ग्स एंड द ग्रैंड सॉन्ग्स आर लाइक दैट ओनली देन योर नेम विल रिमेन इमॉर्टल इन दिस वर्ल्ड और सम पीपल से दैट इफ दे हैव नो डिसिपल्स ओनली देन दे विल बी रिमेंबर्ड इन द वर्ल्ड ओनली देन दैट नेम विल बी रिमेंबर्ड इन द वर्ल्ड बट मेरा वैसे इज दैट ओनली ही हु डज द मेडिटेशन ऑफ नाम He who goes with him and mixes himself with the Naam, he who becomes a flower of the Naam and mingles in the Naam, only his name will remain forever in this world. मेरा बाल कहने लगे आगे एक पदी के बीच भी नाम का पुत्र ने जन्म देता है और नाम का चेहरा बनाया है लेकिन वक्त पाके दुनिया In one of her couplets, Mirabai has written that neither I have given birth to a son nor I have made any disciple, but the time will come when people will remember me. मैं दस्ता हूँ कि पंक्ति करे पताल में प्रगट हुए आकाश पंक्ति करे हुए तो वो परमात्मा के करीब प्रगट हो जाती है मेरा भाव परमात्मा बनता है I often say that even if you do the devotion sitting under the earth, still it will get manifested in the sky. It will get manifested in the home of Lord, but the thing is that one must have done the devotion. मेरा कहना है ये भाव है कि संत शायद संसार के विच मशहूर होने वास्ते प्रचार कर रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं होगी वो तो पूर्ण आत्मा के वास्ते तो पूर्ण वास्ते आएंगे है उन्होंने मकसद तो एक ही होगा है कि ये दसवां कि अगर वो तो इशारा है गुरु गोविंद सिंह ने कैसे नाम रहो साधो रहो रहो अगर वो गुण कहो नाम के सिद्धांत में तुम जो गुरु गोविंद अगर वो दुनिया में से भी शुरू हो जाएंगे चार पंद्रह हजार साल का सदे इतिहास याद है एक कुछ का सदे इतिहास ही याद नहीं कि क्या होगा इस दुनिया में सेवा में होया तो गुरु अगर नाम दुनिया च भी वो राजा होंदा सी वो होंदा सी Saints do not do the preaching just to become famous in this world. They do the preaching only to make we the forgetful souls realize that we have returned to our home and we have to do our devotion. It is not that they go all over and they do the preaching only because they want to become the famous, because they know that the name or they will be remembered not because of the preaching but only because of the devotion of Lord, because you know that we remember or we know the history of only 4,000 or 5,000 years, what happened 4,000 or 5,000 years ago. We remember that such and such king was there or such and such queen was there. But what do we know about the kings and the emperors or the other people who were before that time? So, when this world is not going to remain here all the times, how can we expect that our name will remain in this world? Guru Nanak Sahib says that either the Naam will remain in this world or he who is in the meditation of the Naam will remain or God Almighty himself will remain. So that is why Nanak says that you always sing the glory of God Almighty and you meditate on the Naam. संतवस्त संग गहरों के नीचे सुतों में उठाने दे उठाने वास्ते आया हुआ है तो संग बस दिया कि वक्त थोड़ा है सफर लंबा है पंगी वो संग लेने चाहिए आप दे सफर करने की ध्यान रखना चाहिए आप दे सेवत जिन सबर है उन्हें दे ध्यान रखना चाहिए गा The coming of the saints in this world is to wake us up the terrorists that you have a very long journey to do and you have a very little time. A traveler should always be aware of the means he has to do his journey and his attention should always be towards his goal. परमात्मा की मांग है कि
किस तरह है इस वर्ल्ड में वाग योग मैंने कौन आके मिलना है द माइंड एंड द ऑर्गन्स ऑफ सेंसेस विच आर क्रिएटेड एज द ऑब्स्टेकल इन अवर पाथ टू मीट गॉड इज ऑल्सो द विल ऑफ गॉड दे हैव बीन क्रिएटेड इन द विल ऑफ लॉर्ड जस्ट टू सी दैट हु डिस्पाइट ऑल दिस ऑपोजिशन कम एंड मीट्स मी बहुत सारे प्रेमी कहने हैं अकेले उसने काम बनाया है क्यों और ये मानव दुनिया इन्होंने खतरनाक क्यों पैदा की थी तो मेरे सारे से भी एक दस जवाब दे रहे हुए थी कि वो तो सर अंदर जाके ये सवाल खुद परमात्मा तो जाके हल करो मैंने डेलियंस आस्क दैट व्हाई डिड गॉड ऑलमाइटी क्रिएट कार एंड व्हाई डिड ही क्रिएट The mind and the organs of sense, because they are so forceful, so dangerous. Master Zion Singh Ji used to reply this question in this way. He used to say, "But why don't you go inside? Go inside yourself and ask this question to God Almighty yourself." मैं आर्मी जा रहा हूँ, मैंने लड़ाई जाने का मौका मिल गया है। इस वजह से आर्मी में अपने हालात के काफी सारे कहानियाँ जो हवाले बने हुए हैं, जिन्हें कि संत मत के बिल्कुल परिपूर्ण हो गए हैं। I was in the army and I got the opportunity to go in the battle in the war. Because of the army and whatever I have experienced there are the stories of the incidents of the army I often quote from them I always give the example and the parables of that because they imply or they are in accordance with the teachings of the Sankhmat ek jarnal je ek hai ki mere virodh mein vich inne phauja khadiya kyon kitiyan gayan hain अपने आर्मी के मान होना चाहता है फिर अपने साधना का पता होना चाहता है फिर खतरनाक घाटिया जिन्हों ने भी रोह के उसने दुश्मन के उत्ते पता पड़े है सो इस वास्ते मेरा बहुत आराधा होना चाहिए कि मैं इन्हों के पता पाऊंगा जेड़े जरनाइल का दिल इस तरह का है जिन्हें आपके साधना का पता है आपके आर्मी का प्रमाण है वो जित प्राप्त कर लेता है कहीं भी कभी जित प्राप्त नहीं होगी इसे तरह संत मत के अंदर भी सानू शब्द होने लैस किया गुरु सदा मदद करने वास्ते है सो सब तो विश्वास की जरूरत है फिर मेहनत की जरूरत है इफ द जनरल आस्क दैट वाई सो मेनी फोर्सेस इन माई ऑपोजिशन एंड वाई दे हैव सो मच ऑफ वेपन एंड आर्मी एंड ऑल दोस थिंग्स एंड हाउ आई एम गोइंग टू combat them, how I'm going to win over them. If he asks all these questions, he can never win the battle. Instead of asking all these questions, first of all, he should know about his means, about his people. He should be confident in the army he has, and then he should know that what is the road, what is the way he will be taking, and how he will go over all the valleys and the difficult places where he has to travel. So, and also he should have the confidence. He should have this determination to fight and win the battle, and only then he can do that in the same way. In the same way also, first of all, we should know about the means which we have and through which we can fight this battle and win this battle, and then we should have the confidence, because a coward can never achieve any success. Only a strong-hearted person can achieve the success. So that is why in the Sankhmat also, a coward cannot achieve the success. You have to have a heart made of iron. You have to be a strong-hearted person, and then you should have the faith in yourself. You should have faith in the master. You should have confidence in yourself that you will easily go and combat, and you will easily go and win over all the forces which are in your way. जो लोग अंदर जाते हैं उन्हें सचेत अखा देखते हैं तीसरे तरीके जोड़े एकागर होंगे है कि किस तरह गुरु आप भी आत्मा एक पेल लाइन की तरह खाड़े के उतारते हैं जो खुद भी उन्हें पिट के उत्ते थापे होंगे है जो जो गो विदिन And those who concentrate at the eye center and become still there internally, they know, they see that how the Sadhguru makes us land or makes us come into this battlefield, just like a wrestler is promoted to go in the wrestling ring, in the same way the master also promotes us or he brings us in the wrestling ring, and how he himself puts his hand on our back and encourages us to win the battle.
उस वेले का हाल गुरु नानक ने अपनी बाणी च लिखा है। सतगुरु का भेद मानना मैं मारा उच दमानना नीह ते पंज जवान गुर थापे मिट्टी कंड जीओ। Guru Nanak Sahib depicts the picture of that event. He says that I am the wrestler of my master, that I have all his support and his grace. He has given me his hand and support on my back. There are five enemies with whom I had to fight, but I have with me on my back my master. Sevak de dil vich jo vishwas hai oh unnal de dil ke khad janda hai vishwas da dolda hoga अपने गुरु तो होता है। कहना मैं उन्होंने संतों का दास है जिन्होंने मैंने बस में किया जिन्होंने पंगा को काबू करके काम क्रोध में हंकारे आप मार जगद बैठे आपके उन्होंने चाहे तुम राम को चाहे अल्लाह को कुछ ही को। If the disciple has the faith, and if he stands in front of his five enemies with firm determination, and if his faith does not shake, then he easily becomes successful. The disciple should have the confidence, he should have the faith that he is the disciple of such a master who has controlled his mind, who has killed all these forces, and with his grace, he will also be able to kill these forces, and he will be also able to control this. This mind, this process. So Guru Sahib says that he who has killed his ego, he who has controlled his mind, I am his disciple, and with his grace, I may also do the same. तुमको जीत सके ना कोई गुर का बंजे मन में होई। If you have the strength of the master in your heart, in your mind, then no one can win you. जो गुरु ने अखाड़े रखे तुरदा है, गुरु ने नाल लेके तुरदा है। त्रिलोकी तक कोई ताकत उसका कुछ नहीं लगा सकती। He who keeps the master with him, he who goes along taking the master with him, there is no force up to the Triloki in the three worlds who can do any harm to such a person. तो मैं कहता हूँ ना इतना हार जाना बुरा नहीं होता जिन्हें हार मान लेनी बुरी होती है। Often I say that it is worse to surrender than to be defeated. साधु ये हालत है हालांकि बहुत सारे प्रेमी जगह का अंदर जाते हैं वो तो बड़े मजबूत आराधे वाले है थोड़े बड़े पंडित ऐसे ऐसे प्रेमी भी होते हैं कि जो उच्चे तो उच्चा अभ्यास में तैयारी दस के जाते हैं दिल खुश होता है और ऐसे में होते हैं कि जो बेचारे अरे सोचो सोचो अंदर जाने दोज गो विद इन They are the dear ones with the firm determination. In your good self, I believe that there are many dear ones who went way up, very high in the meditation. But there are those dear ones also who are still thinking about going into the army. एक उठा लिया वो थले पा सगा वो कह लगे अच्छा होगा कि उपरा लाऊंगे वो थले पे हो गए हालांकि एक बार साल में लगे तो साढ़े सात गोल मिलने लगे बड़े गर्व हो गए वो कह लगे अब जो तो आए ना भी उत्तर आए ना तो पहले पर आप उसको बुला लिया ना सो इस वास्ते ये गांव से कोई काम In the army once they had this wrestling and there were two people wrestling and one of them came on the top. The other person who was not on the top, he said that let me come on the top and then I can see. So the person who had almost won that wrestling, he, even though he was a very young man of 21 or 22 years old, and even though he was on the top, he started weeping and worrying that what will happen if this guy will come on me. So our boss said, then why are you worried? You just don't let him come on the top. And you have won the wrestle. So this is our condition.
before going in the heaven and before even comparing and finding its lust and then all the other passions, we are worried that what will happen if they will come and if they will bother us. Why should we? We should also become like that wrestler, as our boss used to say that we should not let them come and dominate over us. They will bother us only when we will let them dominate us. शांति तो वो हालत है जो सुप्रीम कोर्ट से जहाँ लगे तो सबको टीके लगाने का मौका मिला तो टीका तो भी किसी होर में लगता सी ना रंग बिल्कुल पीला हुआ था पूरा तो शेर साहब ने देख लिया तो कहा हो गया तो फौजी का पुत्र है मेरे को और चले कभी चाहते बोले वो तो फौजी ने साथ जा रहे हैं हम तो सिर्फ देख लो अगर टीका किसी होर में लगता से I often give you the example of Pappu. Once when we were going for the first tour and when we had to go for getting the vaccination, Pappu saw somebody else getting vaccinated and at once he turned pale. His father was there and he said that why you are turning pale? You are the son of an army man. And I was also there, so I said that you are going with an army man. So you see that he was just watching another person getting that shot and his face was turned pale. The blood which was red had not at all become yellow. उन्होंने सोचा था कि दीवार आदमी है शायद तो नहीं कभी भी हाथ देखे हुए होना तो उन्होंने बैठे रास्ते हो कभी चलाट करे ये पीछे में पार करो अगे में ना करो पेट सवार के कस दो ये उन्होंने काफी कुछ समझा रहे ऐसे में हंस के पप्पू ने कहे पप्पू मैं तो बंदा हूँ कहना हाँ And then when he got on the plane, Pappu thought that he is the farmer and he moved me on the plane. So he was giving me all the instructions, how to sit on the seat, how to push back the seat and how to fasten the seat belt. And he was telling me all these things. And in fact, he himself was worried. He was scared. So I said that, Pappu, maybe you are afraid. And he said that, yes, he is. प्रैक्टिस कराई जाए है एक इस तरह छाता छाते बिना उतरने है प्रैक्टिकल कराया होगा मैं दसा बैठे बहुत सारा कुछ देखा हुआ मैं छुपने का खुद उतरा हुआ आई हैव बीन इन द आर्मी एंड आई हैव शोन मेनी टाइम्स व्हेन आई वाज इन द आर्मी वी इवन डिड द पैराशूटिंग एंड आई टोल्ड हिम दैट ही सेड आई हैव गॉन थ्रू ऑल दीस थिंग्स सो मेनी टाइम्स तो मेरा कहने का भाव है मैं बहुत हुआ है कि संत मार्ग के बीच में तुसे ता अभ्यास ने और कामयाब होंगे और तुसे दिल मजबूत करोगे परिवार के सब दिल कल्याण करोगे सो वेर आई मीन टू से दैट इफ यू वांट टू यू दैट यू कैन बिकम सक्सेसफुल इन दिस मोर इन दिस पाथ इन द मेडिटेशन ओनली इफ यू विल बी ओनली इफ यू विल मेक योर हार्ट स्ट्रांग जस्ट लाइक दैट ऑफ द आयरन तो मैं आपको जाते तो बहुत बस बस ना है कि दूसरे परिवार में अंदर जब हिटलर सर्विस कर रहा था और साथ दे रहे थे बिल्कुल पूछता था अगर सेवा उस समय लोगों ने टेंट साल दी हाइट है साल दी कैर में लोग करने से तो लड़ाई में लोग उस पर तैयार नहीं सेवा आई हैव ऑफन टोल्ड यू अबाउट माय सेल्फ दैट व्हेन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर व्हेन हिटलर वाज एडवांसिंग एंड ही वाज डाउटिंग एवरीवन इवन द नेशन वाज हेल्पिंग हिम एट दैट टाइम दे वर रिक्रूटिंग द पीपल इन द आर्मी People preferred to go in the imprisonment for 30 years, but they did not want to join the army because they knew that if they join the army and go in the battle, in the war, they would be finished. जोड़ा वो अवसर मैंने देखने से वो छोटे में किस तरह तैयार हो गया और बड़ा जोश सेगा वो डर नहीं लगना सेगा जब परमात्मा कृपाल ने कृपा की साधना और तरीका दसिया मैं दसदा होना है कि जो उन्होंने खुद वो गुफा बनाई मुझ बिठाया और उन्होंने तो फिर मन शेर का रूप करके बैठ जाऊंगा सिर आगे मैं तेरे अंदर में वायु मिलागा
सिर्फ ब्राह्मण से बात नहीं करता, वो सच है। मैं बड़े ही रूप धारण करके उनकी आंखें खड़ा है। आई वॉज रिक्रूटेड इन दी बॉयज कंपनी बिफोर दैट सिंस आई वॉज यंगर देन 18 ईयर्स एंड इवन दो इट वॉज नॉट माई टर्न टू गो इन दी आर्मी टू गो टू दैट वॉर, बट स्टिल आई माई सेल्फ हैड हैप्पीली प्रपोज्ड माई नेम टू गो इन द वॉर। The officers over there, they looked at me as because I was still a very young boy, and they were also surprised. They were also very impressed by my courage. And often I said that at that time I had so much enthusiasm, I was not afraid of the death, and I was prepared to face any challenge, anything. But when God Almighty Kripal showered His grace upon me, when He gave me the initiation, and when He Himself made that underground room for me and told me to sit for the meditation, at that time the mind created so many things. He intimidated me and He made very difficult for me to sit in the meditation. I'm not saying this thing to intimidate you, but many times when I would try to sit in the meditation, He would come in front of me in the form of the tiger and He would frighten me and He would not let me sit in the meditation. Mara Sahib Sunni Kandi Ji, ke toh de ke jo cha khada khad jayega, lekin jo abhyas mein se ke ye to sir pe janda hai, bakre ban ke pan janda hai. Master Sahib Sunni used to say that coming in enthusiasm, he would stand in front of the cannon to die. But if you tell him to do the meditation, then he would run away just like a goat. ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਦਬਕੇ ਨਹੀਂ ਅਪਸੰਗ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸਤਸੰਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਰਸ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਆਪ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੱਟਦੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਰਸ ਕਦੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ। Why in the beginning the mind does not let us come into satsang? The only reason for that is that the mind does not want to be pressed. He does not want to be pressed because he knows that if he will go to the satsang, he will have to give up the tastes, the sweet and sour taste of this world. He will have to be in the discipline, he will have to do the meditation and like that. So that is why he doesn't want to do all that. He wants to remain free as he has been in the habit. So that is why he creates all the obstacles in coming to the satsang, and he doesn't let us come into satsang. But when somehow we bring our mind to the satsang through the darshan of the masters, through their beautiful words, and through their grace, some karmas are paid off. And then gradually, if we go on bringing our mind to the satsang, and gradually when he goes on getting the taste of the satsang, then once you have tasted the taste, the elixir of the naam and the satsang, then it becomes very difficult for you to give up the taste of the satsang in naam. So, jitne bhi apne the baithe hain, apne saare ke apne apne karobar hai, koi business karta hai, koi naukri karta hai, koi jeevanvara karta hai, aur bekaar koi leega, aur wo koi sat samundar tapke aaya hai, koi char samundar tapke aaya hai, koi ek tapke aaya hai, koi aise hi hazaron milan paida maar ke aaya hua hai. All of us who are sitting here have their own businesses or their own work. Somebody is a farmer, somebody is a trader, somebody is a merchant, someone has this job or that job. But still, we all have come here, giving them up. Someone has crossed over seven oceans, someone has crossed over four or two, someone has traveled thousands of miles, someone has traveled hundreds of miles. So we have come from far and near, giving up our responsibilities. Why? Only because we are attached to the satsang. What is the thing, or which is the thing which has brought us, which has pulled us over here? That is the taste of the satsang and the love of the master. मैं थोड़े बाहर मुल्क में कुछ जानना है, तकरीबन मेरे जिंदगी वास्ते हर एक को पता है कि मैं बिहार की ओर बंद होकर जाना है, जिस जगह मैंने उसे बैठा दूंगी है, मैं ड्यूटी
समझ के फर्ज समझ के उससे मकान बैठा सवेरे में सेवा करना है, उससे तरह वापस आ जाना है। ना मैं किसी शहर से जाकर खुश हूँ, ना मैं कुछ शहर तमाशा देख के खुश होना है। आई गो टू योर कंट्रीज एंड यू नो दैट आई एम पैक्ड इन द एयरप्लेन एंड आई एम टेकिंग दैट टू योर कंट्री एंड ओवर देयर आल्सो I am locked in the room. Wherever the ravens make me stay, I just stay there. I do the seva or the sangha, and then I come back after doing the seva. Neither I am pleased nor I ever go for the sightseeing or visiting the cities and things like that. I go only for the seva, and after doing the seva, I come back to my home. So, kya chahiye hai? Mere inne sab mishrit le rahe hain. The guru ka duty, guru ka pyar, seva ka pyar. What is the thing which is making me do such a hard duty? That is the love of the Sangat, the love of the Master and the orders of the Master. Isse waste mein apne guru ki parmatma saavan kripal da jinne haste mein sangat ki upardha kiti hai parvat ke namaskar kiye hain ki unhone sami ban bakshya उद्धव बख्शिया सब खुशक आत्मा खुशक मनी उन्होंने नाम का पानी नाम का अमृत दे के इन सरसज बना दिता है। दिस इज वाई आई ऑलवेज थिंक आवर बिलवड मास्टर्स फॉर गिविंग अस द करेज फॉर गिविंग अस द स्ट्रेंथ टू डू दिस वर्क गिविंग अस द ग्रेस दे हैव मेड अस ड्रिंक द वाटर ऑफ द नाम एंड दे हैव ब्रॉट द लाइट बैक टू आवर सोल दे हैव मेड अवर सोल क्लीन। सो वही महान गुरु स्वामी बड़ी दया करके कई दिन आपके प्यार का आपकी भक्ति का मौका दिता बैठने का। मैं कले कले ससंगीर संदेश देना हुआ है जो मेरे जुम्मे लाया है वो ये हुआ है मेरी डायरी हर एक में रखनी है सच हर रोज आना सौ कम छद के भी हजार कम छद के अभ्यास अंदर में बैठना है। ज्ञान प्राप्त करने का यही एक उत्तम साधन है। इससे साधन सानू अंदर जाने में ही मदद मिलती है। सो दोज ग्रेशियस मास्टर्स शावर सो मच ग्रेस अपॉन अस एंड दे गिव अस द अपॉर्चुनिटी ऑफ सिटिंग इन देयर रिमेंबरेंस दे गिव अस सो मच लव एंड दे गिव अस द अपॉर्चुनिटी टू सिट इन देयर रिमेंबरेंस फॉर सो मेनी डेज and individually to all the relatives I have given this message of the Master because he has given me this duty. He has asked me to remind the relatives of his message and that is that all of you have to keep the diary, you have to attend the satsang, giving up hundreds of important works, you must attend the satsang and you should do your pilgrimage on a regular basis, you should give up thousands of work to sit for the meditation because this is the best means. This is the only best means for receiving the grace of the Master. And if we are between these practices, if we are between all these things, then it will help us a lot to go into the within. मैं पहले एक बार तो दर्शन सिवा कभी कल एक बार में दर्शन में टाइम गया तो उसने इस बार का जवाब है उधर कुछ मन करना है पहले मैं थोड़ा दर्शन है कि पहले ऐसी तो मैं पूछते रहे हैं कई पहले दिन के बीच शक पैदा किए हुए से कि संत के जवाब में जान देंगे मैं दसिया से कि किसी महात्मा वास्ते किसी संत के जवाब में अपना लेना कोई वड्डी और मुश्किल वाली गल नहीं होगी। दिन में जो लोग हमें सुबह को कम लेंगे हैं वो एकदम जाने लोग खेल करके दिखा दे रहे हैं लेकिन संत सुबह तो कमरे लेंगे होंगे क्योंकि उन्होंने तो परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा ने खुश करना होना है और ये तो बहुत छोटे बंदों की चीज है जो संत इन्हें तो कमरे लेंगे होंगे। पर मैं ये वादा किया सी कि जिथे शब्द और आत्मा की बात हो रही है उत्थे पहले तो पूरे प्रयास रिलेशन करेंगे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सो वो मेरे गुरु कृपाल ने जिन्हें मेरी बेनती थी कि मेरा पर्दा खजे रखे तो मेरे सिर पर हाथ रखे जो कुछ उन्होंने किया से वो निभा रहे हैं। सिफारिश उन्होंने उन्होंने दे रहे हैं कि सदर सिफारिश में बात हुई है कई बार पेड़ प्रेमी दसते हैं कई पत्र भी दसते हैं इन्हें शायद अपने और दे रहे
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਪਿਆਰੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਐਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਸੀ ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਵਾਰ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਮੰਗੋ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਐਨਕ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਅੱਖ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਸਰੂਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਾ ਐਨਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਪਿਆਰੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੋ ਉਹਨੂੰ ਐਸੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਐਨ ਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਸੰਤ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੋ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਠਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਐਨਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਔਰ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਨ ਦੀ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਟੂ ਆਈ ਹੈਡ ਸੈਡ ਦਿਸ ਆਈ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦਿਸ ਅਪ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੈਸਟਰਡੇ ਵਨ ਡੇ ਵਨ ਕੇਮ ਇਨ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੀ ਆਸਕਡ ਮੀ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਬਟ ਇਟ ਵਾਸ ਇਨ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਇਟ ਵਾਸ ਆਫ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਚਰ ਬਟ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ ਦੈਟ ਔਨ ਦੀ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਟੂ ਆਈ ਹੈਡ ਟੋਲਡ ਦ ਹੀਅਰਸ ਟੂ ਯੂ ਨੋ ਹੀ anxiety or the confusion of the day, those dreamers, those who at that time had thought that since I did not speak a language, it would be difficult for them to communicate with me. So I had told them that for a perfect master, it is a very small thing to be able to speak in the language of the disciples. Because those who perform, those who do the meditation, and those who acquire the supernatural powers, even of the lower planes, even they can do this, even they can speak all the languages. The masters have all the supernatural powers, but they are not allowed and they do not use the supernatural powers. So even though they have the capability of doing that, but still they will not perform such miracles, they will never do that. Because this is the thing of this plane. And we always remain in the will of God. I have told the dreamers that outwardly here, I may not know your language, but I am assuring you that the place where the shaman has to talk with the soul, Papa will not be needed there to do the translation. And the dear ones over the years have all the testimony, they wrote, they write to me, they talk to me, that how when they sit in the meditation, they have the visions of the masters, and how I talk to them, the master talks to them in their own language. The people who speak English, they write to me, and they tell me that how I was talking in English with them, and the people who speak Spanish and their own language, they say the same thing. Many dear ones even say that all the young people are talking to us in their own language. So, as I said on the very first tour, that no one should remain in this illusion that I cannot do this, because this is the thing which one can acquire if he goes even to the lower plane. Even if he does a little bit of meditation, he can get this electricity, the supernatural powers with which he can do that. But this is not in accordance with the will of Lord Almighty, so that is why it's not happening. But as I had assured, that internally there will be no problem, people will have the opportunity to talk to the master in their own language, and everybody has said this so far. So yesterday that dear one, when he came to see me in the darshan, he said that Master, I see Master Sahan saying and Master Kripal saying and you over there, but you do not have the glasses on you at that time. So what I mean to say is that dear one, the glasses are of this plane, of this material plane. The radiant form of the master does not need any glasses. He does not need any radio planes. He does not need any other means of communication, because he is there in his radiant form. Or maybe it is possible that at that time I had forgotten to wear the glasses. So what I mean to say is that
the radiant form of the Master does not depend on these worldly things, these outer things and the techniques. So, brother, मेरे ड्रायर सीगा तो ड्रायर सीगा कि मैं एक गांव में रह रहा हूँ, गांव के लोग काफी पुले पाले होते हैं, तो जब मैं बाहर जाने लगे और कहीं लगे देखो एक तो थोड़ा दे बिल्कुल छोटा ब्लॉक है वो ज्यादा बड़ा नहीं, इंग्लिश जेड़े है इन्हें से तो रबड़ लगा है एक बंदे ने भेज देंगे तो ने भेज देंगे वो हर जगह कभी मैंने मिले नहीं है बंदे जेड़े मेरे को इस तरह गए सी आखन वास्ते मैं हजार ही मैंने ने मैं भेजे तो नहीं पर मैंने ये देन सी उदो भी ये ही नहीं चीज में कौन भेज रहा है हर आदमी आगे करे रखना है तो मैंने खुशी है कि अंग्रेजा लोग पक्षों के मैंने घरे दिल्ली रख्या हो गाहा तो नहीं बेचिया In the beginning, they had said, because you know that I live in the village, and the villagers are very simple, common people, very innocent. So they had told me about the Westerners. And also at that time, as you know, that I had gone out in the world, taking with me a very young boy who was not very lovely. And they had told me that, first of all, you are with you, a boy who is not very lovely. And you are going to be with the Westerners, the Westerners, and even God is afraid of the Westerners. Because if they get the opportunity, they will sell you off. So now, when those people who are telling me those things in the beginning, when they come and meet me, I tell them that you see that they will not sell me off. I'm very glad that they have kept me in their hearts, they have kept me in their home, and they love me. And you know that you don't sell off the things which you love. So I'm very pleased that the dear ones have kept me in their homes, they have kept me in their heart, and they have not sold me. ਵਾਰੇ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ ਕੌਣ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਤਨੀ ਅਨੋਖ ਵਸਤੂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਵੇ All the wealth of this world is subject to destruction. It all is going to be destroyed. If someone suggests to me that you sell off your master, how will you sell him? How can you sell that thing which you cannot buy, which you cannot get by paying any price? कबीर सिंह ने कहा सी जब तुम आवे आंख में आंख चापे लूं ना मैं देखूं और को ना तुझे देखने दूं प्रेमी उन ऐसे अखंड विच आग दे समा जाता है कि वो अंदर हजम कर देता है वो ना किसी को देखना है ना वो गुरु दूजे पास जाकर देना है कबीर सिंह ने कहा द लॉर्ड व्हेन यू कम इन माय आईज आई क्लोज माय आईज Never I will look at anything else, nor I will allow you to look at anyone else. When the dear one gets such a vision of the Master, he digests that form of the Master in him. He captures that vision, that vision of the Master in him, in such a way that he absorbs himself in that and he doesn't look at any other thing. मैं अपने गुरु के पैरों की राख संभ के रखी हुई है तुसी देख लो जेड़ा शिष्य आपके गुरु की राख नाल भी प्यार करता है ओनु किवें वेच देवेगा I have preserved even the dust of the feet of my beloved master and you can imagine that how can a devotee who has preserved and who has protected the dust of the feet of the master how can he sell his master मैं उसने जाने में पला नहीं सकिया जब मेरे सामने तुरदे हुए सीगे बड़े सोने चकोर की तरह और ज्यादा प्यार पड़े थापड़े हुए हुए सन या गले में लगाए हुए सन मैं दसदा हुआ है कि ना तो मैंने उन्होंने पैरों के लिए मोड़ दिता उन्होंने गले में लगाया मैंने अपने गले में लगा I cannot forget those scenes when he used to take the locks and how I would look at him just like the moon that looks at the moon and how he would pat on my back. Whenever I tried to bow down at him and touch his feet, he never would let me do that and he never let me sit in front of him. How can I forget all those scenes? Guru Arjan Dev Ji kehte hain ki
सज्जन मुख रूप अठे पैर निहाल से फिरदा किते हाल जो डिठो तो मन पड़ापिया मेरा दिल कर गया मैं अठे पैर इन देख पा रहा और बहरे हुए अपने दर्शन हुए गए इस वास्ते आपका लगे ये सोना मुख ये मेरे मुख अखर के पैसे रह जाए गुरु अर्जुन देव जी महाराज से दर में ही ऑलवेज बिहोल्ड This enchanting Guru will attract the form of my beloved because when I look at him, when I go to see him, well then I remain sane, otherwise I go insane. मैं सदा थाने अपने गुरु के प्यार की कहानी सुनाऊंगा मेरा भाव इतना हुआ है कि शिष्य का गुरु के नाल इतने लगाओ इतने प्यार होगा तो वो अंदर गुहा खोलेगा The meaning of my telling you the stories of the Lord of my master is to make you understand that the master will open his door only when the disciple will have so much love so much yearning for his master so तुम्हें सब पता है कि आज कार्यक्रम जो है वो समाप्त है मैं आशा करता हूँ कि जो कुछ आपको अठ बंदी में प्यार प्राप्त हुआ इस तरीके तुम अपने देश में जाके अभ्यास के लिए कई रख सकते हो अभ्यास तुम अगर सत्संग के अंदर जाओगे तो ये कर सकोगे सो इस वास्ते इसमें कायम रखना है सत्संग के अंदर उठे जाना है अपना अभ्यास करना है सो यू नो दैट दिस प्रोग्राम इज नाउ कमिंग टू एन एंड And I hope that all the love which you have received here during this last 8 days, you will maintain it. You can maintain it only by doing the meditations. Because this progress can be maintained, this love can be maintained only by doing the regular meditations. And you know that you can get the encouragement, inspiration to do the meditation only if you will attend the satsang. So I hope that you will keep attending the satsangs and you will keep doing your bhajan sangha so that you may maintain and progress even more in your meditations. Ayana karo, ek pachhi premi uthe Rajasthan de vich aaya, pehla to main chutkiyan lagaya, main pade puchne ga, phir chori chaad ditti, kehna kuch nahi, फिर कह लग्या बस जी 6 महीने की पूरी हूँ दे दो तो फिर मैं फलाने से समझते आ जाऊंगा इस तरह ना करो उस पूंजी को सांभ के रखो झोली खाली ना करो हाथ खाली ना करो जो थाने मिलता है थोड़ा थोड़ा मैं कप भर जाता है ये रुखाने तो सांभ के रखो गुरु के प्यार में सांभ के रखो वन डे वन फ्रॉम द वेस्ट केम टू राजस्थान एंड ही सेड दैट ही हैज नथिंग विद हिम ही शोड मी He made a gesture saying that he is empty-handed, he doesn't have anything in his bag, and then he begged to give him the wealth, the spiritual wealth, for 6 months' time, and then he will come back after 6 months. So don't do like that, whatever you have been given over here, even if it is very little, still maintain it, preserve it, and increase it, because your cup will get filled by adding drop to drop, it will be filled. So whatever little or more you have been given you maintain it, preserve it, and increase it with the grace of the Master. मैं कामना करता हूँ कि जो भी जिम्मेवार में सारे सारे करने के मुताबिक कराने में रहे हैं उन्होंने ईमानदारी नाल बूटे समझ के रहा है जो थोड़े प्यार का पाठ पढ़ाया जाता है जैसा कृष्ण ने किया कि वो तुझे जैसा आदमी और प्यार जो ऐसे अपने हमसाए गुरुओं के नाम ही प्यार करो मैं कहना हूँ थोड़े बीच नाम भी कुछ मान लेते हैं दूसरे पड़ोस वाले पता लगे कि किस संत को जानते हैं और थोड़े रोक करके अपने देवरे पवित्र करें I also hope that whatever worldly responsibilities you have got due to your own karmas, you will attend to those. And while attending to those, you will do your spiritual practices as well. And the lesson of love which the Master teaches, you will remember that as Christ had said, that you should love others in the same way as you expect them to love you. From you, the fragrance of the Lord, the fragrance of the Lord should come out, and the people around you should become aware that you go to such a master and you know the emotion of love. So you should make your life like that. You should be a good example for the other people.
now we will give out the prasad. थोड़ी सी ना जगह बना लो यहाँ से मेरा है. Please, please wait. Don't sing the vigil. Let me finish the announcements. यहाँ करो ना बाबा जी ने, यहाँ करवाना है. यहाँ लेके आओ सारा प्रसाद उठा के, यहाँ पे ले आओ पहले. थैलियां नहीं बनी जी प्रसाद की, थैलियां नहीं बन सकी. या यहाँ प्रसाद बना के चले चलते हैं, ये लोग बाद में थैलियां डाल के दे देंगे अभ्यास. थैलियां तो लाए लेकिन बनानी है. ठीक है, ओके सर जी, वी ब्लेस दिस प्रसाद एंड इट विल बी पैक्ड लेटर ऑन. सो ऑल ऑफ यू शुड क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट मेडिटेटिंग. Oh, yeah.
Still,
they did not miss it. They maintained the regularity. Even the satsang is always told that we have to be regular in our meditations. We should never miss the meditation. Master Kripal Singh used to say that you should not feed your body until you have fed your soul with the food of meditation. आम कराम छोटे छोटे मीटियाँ हो गया घर खुल गए हैं उन जानवर मिले मिल गए हैं अफसोस न करना बन रहा है कि इंसाना ने तो पहला उठ के आपको अपनी बोली ले ली वो थोड़ा बहुत बोलते हैं वो अपने परमात्मा की याद करते हैं Usually in the houses, around the houses, there are small gardens and trees around. And in the morning hours, the birds come there very early in the morning and they remember God Almighty in their own language. He says when they are hungry, 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 and hungry, in the house, Pankar, Chuman, Chalvas, and the Radhana, Chuman, Pass. He himself says that I sacrifice myself on those birds, so they live in the jungles, in the forest. They pick up the pebbles and the food from the wayside and they eat, but not even for one moment they forget God. So we chant it, Kankar, Patrari Khande hai, Baga me mele tan logo kakri maan dhande hai, San Patrari ke ke aakir baithe hai, to pehle hi log, una mushtu, ko chaar ho jange hai, akhra waad. They only get to eat the beans and the stones and things like that, because the real food is taken away by the owners of the field, and if the birds try to come and eat the real fruit, then they steal them away. फिर वो अपनी भाषा के अंदर उस परमात्मा का शुक्र करते हैं असी इंसान के जान में जाके अच्छे तुलसी मेरे खाने की कोशिश करते हैं अच्छे तुलसी दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं कि साढ़े अंदर उन्होंने जानवर जिन्हों की कोई तड़प है फिर तो बाबी उस परमात्मा के नाम पहले मिलना But still they express their gratitude to God Almighty in their own ways. We the human beings, we try to eat the best food, we try to sleep on the best bed, but do we have at least that much yearning which the birds have, that I get up early in the morning and connect ourselves with Him? जिहड़ा परमात्मा रूप हो गया नाम विष्णु हो गया गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं चीरी चूची पैर फूटी गगन गौत तरान अजाज रूप नानक अजाज रूप संतन वैसे नानक नाम मेरा Who gets connected with God Almighty? Only he who has done his devotion and has become his own form. Guru Arjan Dev Ji Maharaj says that in the early morning hours, when the sun rises, before the sun rises, then all the birds get up. The saints have assume this surprising form, they connect themselves with God Almighty, says Maharaj. Meera Bai falls in the love with Naam. She fall in love with her master and she said that, O Sri, if I may find any customer of yours, I would sell you off. People may be selling you for, say, kilos, but I will sell you in quintals without asking for anything. I will just sell you free of charge. You go to those people who do not do the devotion. What do you have to do in the home of the devotees? जब गुरु अर्जुन देव जी का अपने गुरु रामदास के नाम प्यार पैदा होया नाम ना प्यार पैदा होया उन्हें कहते हैं नींद में तो पड़ जा रात में कहते हैं बन जा कि छह महीने जब लंबी रात हो गई तो मैं और मेरी जमाई जमा When Guru Arjan Dev got in love with his master Guru Ram Das, when he got in love with the Naam, what does he, what did he tell? Actually, he said that, O Sri, you go on decreasing, and he said to the night that, O night, you go on increasing, may the night be of 6 months so that I may always remain connected to my Lord. So, Master Kripal used to say that those who have made their minds, they have made their abilities.
मैं कहना होना कि जय सोना खान के जो मूर्ति निकाला जाता है अगर उसकी मूर्ति प्राप्त करना है तो गहरे समुद्र दुख की कमी देनी है. And I also say that the gold can be obtained only by digging in the mine. And if you want to have the valuable pearl, we have to dive deep in the ocean. So, not even a mother can give birth to a child without injuring the pain. So, the obstacle which is in the way of the meditator is that of sleep and laziness. इस वास्ते संत मत जिहड़ा है यही मेहनत मंगता है अपना कमाया हुए धन अपना हुंदा है अगर टीचर ताई तवज्जो दे देगा जिस स्टूडेंट पढ़ता है इसे तरह गुरु की तवज्जो तभी करेगा ना जे असीं भी पढ़ते हैं उसके संत नूं रोज रोज याद करते हैं. दैट इज वाई संत मत डिमांड्स द हार्ड वर्क द वेल्थ विच वी हैव अर्न्ड ओवरसेल्फ इज आवर वेरी ओन. इफ द स्टूडेंट विल पे अटेंशन टू द talks also the things of the teacher only, then the teacher will put all his attention on that student. In the same way, the master will shower grace upon us only if we will do our part. Halanki sant roji kende kehi jai lo kisi paira mein naach lo jo kuch hai wo sab bhi ak aur mast ke andar hai. Every day the saints tell us that do not get attached to the feet because whatever they have, whatever there is, it is in the forehead and the eyes of the father. तो सानू पखंडी लोगों ने आदत पाई होंगी है पैरों के उत्ते मिटन की. इस वास्ते एक प्रेमी गया महाराज सावन सिंह खड़े सी ने उन्होंने ऐसे पैरों में छूया कि छिड़न वास्ते तैयार ना होया. महाराज जी बड़े ही उसे खास हो गए. कोई एक प्रेमी ने इसे आके महाराज जी ने करो यही बस है ये उल्टा है हूँ वो दिलानियाँ जानते होंगे. महाराज जी कह रहे मैं गया भी टोकरी से तीन बजे हर एक सत्संगी जो कोई लेके जाना है वो तो सब सुते होंगे तो पागा वाला ही है जिन्हें मैं छू प्यार लगता है मैं मरता हूँ. The hypocrite people have made us have the habit of touching the feet of the master. Once a dear one went to Master Sawan Singh and he called at the feet of Master Sawan Singh. He was so he did not want to get away from the feet of Master Sawan Singh. Master Sawan Singh rebuked him. The other devotee was there. He said that Master, he has so much yearning for you and it is not in his control to shower grace on him. So Master Sawan Singh said that every morning at 3 o'clock I go to every person carrying the basket of grace. There are some other ones, fortunate other ones who at that time wake up and get the grace. So please, son. प्रीत साहब कहते हैं कि पहले पैर पढ़ने में यात्रा करना फुल लगन में समान है पिछली पैर जागना हल लगन में समान है. जो जागते हैं वही अपने गुरु को परमात्मा को लाभ प्राप्त करते हैं जो सुते हैं उन्होंने वो व्याप बांधी रह जाते हैं. उसी दिन प्रीत साहब से दैट मॉर्निंग द अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन इज जस्ट लाइक फ्लावरिंग ऑफ द प्लांट एंड द meditation which we do in the later part is like getting the fruit. Those who remain awake in the early morning hours and meditate, they get the grace of the master. Those who sleep during that time, they remain without the grace. In the early morning hours, the master is distributing the musk grace to everyone. Those who get up at that time, they receive it from the master. So many ones get up, but if they fall asleep, once again they are deprived of that grace. So after the first day, the Bhangla, Bhakti, Kichhe, Raat, Jo, Jagal, Jo, So, Nain, Jir, Sadhu, Kohol, Raat. That is why he says that. In the early morning hours, it is like the flowering of the plant, and then we get the fruit. Those who will remain awake, they will get the grace from the master. रात कस्तूरी वंडिया सुत्या मिले ना पाओ जिन्ना नैन नींद रावले तिन्ना मिले पाओ. इन द नाइट द मास्टर डिस्ट्रीब्यूट्स द मस्क. वन कैन नॉट गेट इट इफ ही इज अस्लीप. वन कैन गेट इट ओनली व्हेन ही इज अवेक एंड इफ इट इज रिटन इन हिज स्लीप. सो इस बात से समय सत्संगी में अभ्यास में पहले नंबर पे रखो नींद दूसरे पे सो जिन्ना जी कल
सुबह अपना अभ्यास न कर रहा हूँ उन्ना सीखने तुम नींद को मौका ना दे So that is why all the satsang you should put the meditation as number one and then on number two you should have the sleep and unless you have done the meditation in the early morning hours don't let sleep bother you so after sitting and meditating to pay that cheap and yard karo akha bandh karke apna sunan shuru karo so before starting the meditation remember the holy symbol closing your eyes start sleep सच्चा तेरा प्यार है तेरे
Thank you.